हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आई एम खुशबू विद यू पीपल। तो आज है हमारा डे टू इन कोची और आज हम कोची एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसा आप मेरा अटायर देख सकते हैं और पीछे का एनवायरनमेंट पूरा देख सकते हैं, तो यस, आप लोग सही समझ रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ के एक बहुत ही फेमस टेम्पल जिसका नाम है, एक्चुअली मुझे दो तरह से उस नाम को प्रोनाउंस करना आ रहा है, या तो चोटी नकारा या छोटा निकारा, तो जो भी ठीक होगा आप लोग समझ लेना। तो यहाँ का ये बहुत ही फेमस टेम्पल है जहाँ पर मेरे फ्रेंड की शादी है, जिसकी शादी मैं अटेंड करने आई हूँ। तो यहाँ का ये एक मतलब यहाँ का क्योंकि बहुत फेमस टेम्पल है, इसलिए जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो यहाँ पर चोटी नकारा देवी टेम्पल जो है, देवी जी के दर्शन करते हैं यहाँ लोग। तो मैं तो साउथ के टेम्पल्स में पहले भी आई हूँ, लेकिन मेरी मम्मी यानी कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर के लिए ये एक्सपीरियंस पहला था। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला उन्हें मंदिर के अंदर जाके। तो मैं आपको एक मंदिर का पूरा टूर देती हूँ एंड आज हम जाने वाले हैं, इसके बाद शादी अटेंड करेंगे एक ऑडिटोरियम में एंड देन वी विल गो टू कुमारकोम। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सो मंदिर में एंट्री लेने से पहले ही यहाँ पर दो तीन ऐसी शॉप्स बनी हुई हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने ये मोगरे की माला वगैरह ली। सो छोटा निकारा टेम्पल केरला में एक बहुत ही पावरफुल टेम्पल माना जाता है, और जहाँ एक तरफ यहाँ पर सुबह इतनी पीसफुल वाइब्स होती हैं, तो वहीं शाम को ये मंदिर पूरा दियों की रोशनी में जगमगाता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। सो चलो पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा यहाँ तक आना। सो अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस अराउंड 35 किलोमीटर्स है, जिसे कवर करने में 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रैफिक। और अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो एर्नाकुलम जंक्शन यहाँ से एकदम नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जिसे शायद 30 मिनट्स लगते हैं कवर करने में। सो मंदिर की हिस्ट्री बताने से पहले, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्विकली मैं आपको मंदिर के टाइमिंग्स बता देती हूँ। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एंड इवनिंग में भी 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। तो अब टाइम आ गया यहाँ की स्टोरी सुनने का, जो कि बहुत ही अच्छी है एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि कैसे दो चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना और थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना इस स्टोरी को सुनने के लिए। तो यहाँ की हिस्ट्री ये कहती है कि आदि शंकराचार्य जी ने ये नोटिस किया कि केरला में कोई भी मंदिर ही नहीं है यहाँ के लोगों को पूजा करने के लिए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है जब भी उन्हें कोई पूजा पाठ करना होता है। तो वो इस चीज़ के लिए तपस्या करने गए कश्मीर, उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कपड़ों में एक देवी ने उन्हें दर्शन दिए। हाँ जी, वो देवी थी सरस्वती माता। आदि शंकराचार्य जी ने सरस्वती माता को अपने साथ कश्मीर से केरल चलने के लिए बोला। तो सरस्वती माँ ने उनके साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि आप आगे चलेंगे और मैं पीछे चलूँगी, और आप एक भी बार मुड़ के पीछे ये नहीं देखेंगे कि क्या मैं आ रही हूँ या नहीं। तो ऐसा ही हुआ, उनके पायल की छनकार की आवाज़ से ही उनको, आदि शंकराचार्य जी को पता चल जाता था कि ठीक है, माँ पीछे आ रही हैं, और उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन पता है रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में एक जगह उनकी पायल की छनकार बिल्कुल बंद हो गई। अब क्योंकि वो तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, समय व्यतीत किया, बहुत वेट किया। उसके बाद जब उन्हें बिल्कुल ही किसी भी आवाज़ का एहसास नहीं हुआ, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख ही लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, माँ ने वहाँ वहीं खड़ी थी, और उन्होंने उनको गुस्से में देखा और उन्होंने कहा, नो, अब मैं इसके आगे आपके साथ नहीं जाऊँगी। आदि शंकराचार्य जी ने उनसे बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन उनका इतना भक्ति भाव और इतनी रिक्वेस्ट देखने के बाद उन्होंने उनसे क्या कहा, अब सुनिए। देवी माँ ने आदि शंकराचार्य जी से कहा कि केरला में स्थित छोटा निकारा जगह पे वो डेली वहाँ पर एक टेंपल में आएंगी, रोज़ सुबह पूजा में शामिल होंगी, और उसके बाद ही वो अपने स्थान वापस जाएंगी, और जहाँ उनका मंदिर बनाया जाएगा उस मंदिर की जो ओपनिंग है, मतलब मंदिर खुलने का समय तब होगा जब पहले छोटा निकारा टेंपल का मंदिर खुल जाएगा और वहाँ पूजा हो जाएगी, और उसके बाद ही वो अपने स्थान पर वापस लौटेंगी, और उसके बाद वो मंदिर ओपन होगा जहाँ पर वो रुक गई थी, जहाँ पर अभी टेंपल है एट प्रेजेंट। क्या आपको पता है कि वो मंदिर कौन सा है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मैं बात कर रही हूँ कर्नाटका के मुकाम्बिका टेम्पल की। यस, तो मैं तो ये सोचकर ही शौक थी कि कर्नाटका के मुकाम्बिका टेम्पल में और ये कोची के छोटा निकारा टेम्पल में ऐसा भी कोई कनेक्शन हो सकता है। सो जो मुकाम्बिका देवी टेम्पल है कर्नाटका के कोल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वो टेम्पल की ओपनिंग तभी होती है जब यहाँ छोटा निकारा टेम्पल में सुबह 4 बजे की एक पूजा होती है सरस्वती माँ की।
चलो इसके साथ एक और चीज़ बताती हूँ कि छोटा निकारा टेम्पल में देवी माँ की पूजा 3 अलग अलग रूपों में की जाती है। मॉर्निंग में तो मैंने आपको बताया सरस्वती के रूप में, दोपहर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और शाम में दुर्गा माँ की पूजा होती है। सो मंदिर के दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हुए और इसी टेम्पल में है मेरे फ्रेंड राहुल की शादी, तो फर्स्ट केरलाइट वेडिंग मैं आज देखने जा रही हूँ अपनी लाइफ में। तो चलो आप भी देखो, छोटी छोटी ग्लिम्स मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हाँ एक ऑडिटोरियम में भी इनका फंक्शन होगा वो भी देखना, उसके बाद टाटा बाय बाय। यहाँ पे 10 मिनट में ही होती है बस। हाँ टेम्पल के पास बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, तो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं और दीदी भी कुछ कुछ बच्चों के लिए घर में शॉपिंग कर रही हैं। जस्ट पास हम लोग आ गए एक प्योर वेज रेस्टोरेंट जिसका नाम है होटल आर्या, तो यहाँ पर हम लोगों ने किया है इडली सांभर ऑर्डर और एक मैंगो शेक, तो देखते हैं कैसा होगा टेस्ट। होटल जो मंदिर है उसके जस्ट आप सीधी लेन में आएंगे तो सीधे वहीं आपको दिख जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्योर वेज रेस्टोरेंट के ऑप्शन हैं, इसलिए मुझे और स्पेशली मम्मी को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर। और फिर यहाँ की शादी का बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगा देख के कि यहाँ की शादी में सद्या खाने को मिलेगी। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। सो यहाँ पर पूछने के बाद पता चला कि सांभर में अनियन और गार्लिक नहीं डाला है, तो इसीलिए मम्मी और दीदी ने तो वाओ कितने मज़े से यहाँ पर राहुल की शादी का खाना खाया। तो राहुल
राहुल की शादी तो हो गई है बहुत ही अच्छे से संपन्न, और लिटरली बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। पहले हम लोग गए मंदिर में शादी अटेंड की, फिर हम लोगों ने उसकी ऑडिटोरियम में शादी अटेंड की, एंड ऑल टुगेदर इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे साउथ इंडियन वेडिंग फर्स्ट टाइम ही देखी। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक और बहुत ही अच्छी वेडिंग थी, एंड सबसे बेस्ट पार्ट था कि उस शादी के खाने में सद्या थी, जो कि बहुत ही, जो हमने कल सद्या खाई थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी और ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसमें वेराइटीज बहुत ज्यादा थी। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू द मोस्ट ब्यूटिफुल कपल। एंड अगर मेरे दर्शकगणों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और हाँ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।